SBKF 7th नेशनल गेम्स 2022 इंदौर और मेडल सेरेमनी की तस्वीरें, तमाम प्रतिभागी जो अलग अलग एज के उन्होंने मेडल जीते हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। SBKF की बात करें, डायरेक्टर शिवा तिवारी मैम साथ में सब है, रेखा मैम जो कि दुबई से, और अलग अलग गेम्स में आपको बताना चाहूंगा 20 राज्यों से ज्यादा 3000 से ज्यादा प्रतिभागी इस इवेंट में हिस्सा लेते। बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट SBKF के तो बात करें समय शानदार प्लेटफॉर्म पे, और आपको बताना चाहूंगा ये प्रतिभागी जो दुबई से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, एक अलग एहसास, एक अलग खुशी मेडल मिलने के बाद रहा करती है, और उस खुशी को देख सकते हैं इनके चेहरे पे, इनके स्माइल के साथ ये खुशी साफ बयां हो रही है और जीत सेलिब्रेट करते हुए मेडल के साथ ये कंसिस्टेंट 20 राज्यों से ज्यादा 3000 से ज्यादा प्लेयर SBKF आपको बताना चाहूंगा। और ये प्रतिभागी आप देखिए, खुशी की लहर है, कराटे टाइकांडो यानी कि मार्शल आर्ट, जहां महाराष्ट्र असम गुजरात की टीमें मार्शल आर्ट में उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया और अपने विचार अपने भाव रखते हुए ये मार्शल आर्ट के प्लेयर और उन्हें नवाज रहे हैं। समय शिवा तिवारी मैम साथ में है, रेखा मैम जो कि दुबई से, और फिलहाल ये नन्हे मुन्ने बच्चे देखे आप, शानदार इन्होंने खेल दिखाए हैं, और इनके खेल कौशल के बाद जब सम्मानित करने का क्षण, मेडल्स की ये फेहरिस्त इनकी मेहनत को दर्शाती है, इनकी लगन और इच्छा शक्ति को, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। आने वाले वक्त में ये बच्चे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। SBKF की यही कोशिश है कि वर्ल्ड क्लास इन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, वर्ल्ड क्लास इन्हें बात करें मौके दिए जाए ताकि अपनी गेम को अपने टैलेंट को तराश सके। और ये फिलहाल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं जो बच्चे जिन्हें नवाजा जा रहा है, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा मार्शल आर्ट आपने पहले आपको बता दूं ऑल कैटेगरी के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसमें की एक यही कसौटी है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, इससे ऑर्गेनाइज बाय संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन, पावर्ड बाई MP ओलंपिक एसोसिएशन, सपोर्टेड बाई इंदौर नगर निगम एंड राउंड टेबल ऑफ इंडिया, होस्टेड बाई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये फिलहाल मेडल सेरेमनी की तस्वीरें हैं SBKF 7th नेशनल गेम्स 2022 इंदौर से, और ये तमाम प्रतिभागियों को मेडल मिलने के बाद खुशी की लहर उनके चेहरे पे और एक अलग एहसास रहा करता है। इस फिलहाल कोचेज का सम्मान पूरे भारतवर्ष से आए हुए क्वालिफाइड कोचेज उनका भी सम्मान किया जा रहा है, और देखिए इस कोचेज का काम बड़ा अहम रहा करता है। ये तमाम कोचेज का सम्मान और पूरी टीम देखिए इस वक्त इन कोचेज के सम्मान के श्रृंखला में, और तमाम ये ऑल एज वर्क तमाम आयु वर्ग के ये तमाम कोचेज के बाद अगर बात करें जो ऑफिसर्स थे उनका भी सम्मान, यही SBKF और SBKF के फाउंडर डायरेक्टर पंकज गौले सर मेडल पहना करके एक अलग खुशी, इनकी सोच है कि भारत में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाए और इस कार्य को अंजाम देते हुए। आपको बताना चाहूँगा हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का भी बहुत थैंकफुल, इतना शानदार ये वेन्यू आप देखें। बात करें स्पॉन्सर्स की, एल एन सिटी ग्रुप का हम थैंकफुल हैं, रेड बुल का, क्रिसेंट ग्रुप का, वेदा ग्रुप का, सोलारिस होटल का, हमारे मीडिया पार्टनर डिजाना ग्रुप और DGFM, हमारे वेन्यू पार्टनर गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल। और आपको बताते चलें ये मेडल सेरेमनी की तस्वीरें, ये पहला ऐसा इवेंट होता है मल्टी स्पोर्ट्स जहाँ हर आयु वर्ग के देखे मास्टर्स वर्ग में भी मेडल्स, ये दर्शाता हुआ एक ऐतिहासिक अद्वितीय आयोजन और एक अलग खुशी
SBKF के इस प्लेटफॉर्म से तमाम प्रतिभागी जो भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं, अपनी खेल कौशल एक अपनी शानदार स्किल दिखाते हैं और एक शानदार एक ऐतिहासिक क्षण मेडल सेरेमनी का DAVV कैंपस इंदौर की तस्वीरों में शिवा तिवारी मैम और तमाम मास्टर्स की बात करें पार्टिसिपेंट्स इस समय अपनी खुशी व्यक्त करते हैं मेडल के बाद। होनी भी चाहिए एक अलग आस एक उम्मीद एक आशा लेकर आई है खिलाड़ी आने वाले वक्त में देख सकते हैं आप ये प्रतिभा की भारत के लिए मेडल लेकर आएंगे और डायरेक्टर और फाउंडर सर पंकज गोले सर और पूरी टीम एक अलग खुशी देखिए इनके चेहरे पे इनके माथे पे मेडल सेरेमनी की पल यादगार ऐतिहासिक तमाम गेम्स में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद मेडल से नवाजा जाना एक अलग एहसास रहा करता है और करतल ध्वनि से तालियां बजाकर उस खुशी को उस पल को एंजॉय करते हुए और सबसे खुशी की बात मेडल मिलने के बाद चेहरे की स्माइल इस बात की साफ गवाही पेश कर रही है। SBKF सेवेंथ नेशनल गेम्स 2022 इंदौर। SBKF एक शानदार प्लेटफॉर्म और जिसमें आप जानते हैं 20 राज्यों से ज्यादा प्लेयर 3000 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। ये SBKF का इस बार का सेवेंथ नेशनल गेम्स इंदौर शहर मेजबानी की और मेडल सेरेमनी की तस्वीरें देखिए आप जहां जोश जुनून और जज्बे को एक खूबसूरती से नवाजा जा रहा है। SBKF के हमारे फाउंडर पंकज गौले सर और साथ में मौजूद हैं शिवा तिवारी मैम डायरेक्टर मैम। इनकी सोच का नतीजा इतना खूबसूरत ये SBKF का ऐतिहासिक आयोजन मेडल सेरेमनी मास्टर्स कैटेगरी में। मास्टर्स आप जानते हैं 50+ और 60+ 70+ SBKF की ये कोशिश रही है कि हर आयु वर्ग के प्रतिभागियों को खेल के मैदान में लाया जाए, उनकी फिटनेस उनकी इच्छा शक्ति को एक खूबसूरती से मंच दिया जाए। SBKF की इसी शानदार पहल का नतीजा देखिए वुमेन्स हमारे मास्टर कैटेगरी में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किए इन्होंने और एथलेटिक्स की बात करें शॉर्ट पुट की बात करें लॉन्ग जंप रिले जंप तमाम ये मास्टर्स कैटेगरी के प्रतिभागी और ज़्यादातर प्रतिभागी जो कि आपको बताना चाहूँगा पुलिस में आर्मी में नेवी में प्रिंसिपल डॉक्टर्स हैं और अब युवा प्रतिभागी देखिए इससे जो अपने उनको नवाजने का मौका और बड़ी संख्या में बात करें वुमेन्स ने भी हिस्सा लिया मास्टर्स कैटेगरी में और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उनको मेडल लेने के बाद एक अलग खुशी चेहरे पर नजर आती है। SBKF की यही लगातार पहल भी है। SBKF आपको बताना चाहूँगा कि लगातार 20 राज्यों से ज़्यादा इसमें प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करते हुए, साथ ही पावर्ड बाई MP ओलंपिक एसोसिएशन सपोर्टेड बाई इंदौर नगर निगम राउंड टेबल ऑफ इंडिया होस्टेड बाई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए मास्टर्स कैटेगरी फीमेल बात करें वुमेन्स में ये खुशी की लहर ये प्रतिभागी जो अपना बेहतर और नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए आप मदर के साथ उनकी डॉटर यही SBKF की खूबसूरती है कि लगातार हर एज वर्ग के प्रतिभागियों को हर आयु के एक शानदार फिटनेस और एक बेहतर मंच वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी खेलों के लिए लेकर आए हैं और एक शानदार पहल। हम थैंकफुल अपने तमाम स्पॉन्सर्स का भी अपने बेहतर आयोजन में जिन्होंने हमें सहयोग दिया है एलएन सिटी ग्रुप का रेड बुल का क्रिसेंट ग्रुप का अवेदा ग्रुप सोलारिस होटल हमारे मीडिया पार्टनर डिजाना ग्रुप एंड BFM का वेन्यू पार्टनर गोल्डन इंजीनियर्स स्कूल का भी हम थैंकफुल। और देखिए ये आने वाली भविष्य है ये बेटियाँ जो मेडल से नवाजे जाने के बाद शिवा तिवारी मैम डायरेक्टर मैम जो खुद एक बेटियों के लिए एक आईकॉन है जिन्होंने घर से निकल करके इतने बड़े आयाम पे इतने बड़े कंपनी और इस तरीके के इवेंट होस्ट करने में पंकज गोले सर के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक सफर तो वाकई में इंस्पायर्ड करते हैं इन बेटियों को। शिवा तिवारी मैम डायरेक्टर मैम नवाजते हुए इन तमाम प्रतिभागियों को ये तमाम प्रतिभागी जिन्होंने दिखाया है मेन्स हो वुमेन्स हो हर कैटेगरी में हर एज के ये SBKF की लगातार कोशिश और पहल और देखिए सब शानदार तरीके से चीयर करते हुए अहम बात अपने मेडल को लेने के बाद ये जश्न
चेयर करना दर्शाता है किस कदर इस समय दीवानगी है खेल के लिए और SBKF एक मंच बना करता है। ये मेडल सेरेमनी की तस्वीरें आप तक देखिए, इस समय फीमेल कैटेगरी की प्रतिभागी को सम्मानित किया जा रहा है SBKF की पूरी टीम के द्वारा। इस समय एक भव्य ऐतिहासिक आयोजन रहा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, डॉक्टर्स, पुलिस, हर वर्ग के लोग इसमें, प्रिंसिपल, आर्मी, सब ने पार्टिसिपेट किया। सबसे अहम बात, उम्र का कोई तकाजा नहीं। और देखिए खुशी की नगर में बनाने के बाद एक अलग एहसास रहा करता है यह भवन। देखिए एहसास साफ झलकता हुआ तस्वीरों में इस वक्त, यही खूबसूरती रहा करती है जीवन में। जब आपके साथ खेल जुड़ा करते हैं आपका जीवन और ज्यादा रोमांच से भर जाता है, और उन्हीं रोमांचक पलों को हम यहाँ आप तक पहुंचा रहे हैं। इस SBKF के जो 7th नेशनल गेम्स हुए इंदौर, भारत के सबसे स्वच्छ शहर में, उसकी ये तस्वीरें आप तक। मेडल सेरेमनी आप जानते हैं इवनिंग में जबरदस्त दूधिया रोशनी में, और जिस तरीके से ये वेन्यू कितना खूबसूरत, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये खूबसूरत लम्हा। और ये खिलाड़ी देखिए, इन्हें जो सम्मानित किया जा रहा है, गौरव के पल रहा करते हैं यकीन तौर पर। तमाम प्रतिभागी जिस तरीके से ये दिखाते हुए अपने खेल कौशल, अलग अलग स्टेट से, पूरा भारत एक मंच पे, 20 राज्यों से ज्यादा प्रतिभागी, सबसे अहम बात रहा करती है। और देखिए सगर इन्हें सम्मानित करते हुए तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अहम व्यक्तित्व। आपको बताना चाहूंगा, मार्शल आर्ट हो असम से लेकर के बास्केटबॉल, राजस्थान, मुंबई, तमाम टीमें फुटबॉल की, इसके अलावा आप जानते हैं गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर वो टीम को हमने हिस्सा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर टीम ने लगभग अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया। और देखिए समय सम्मानित करते हुए हमारे इस आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले राउंड टेबल ऑफ इंडिया और CA, इस समय बात करें ये बड़ी खुशी के क्षण रहा करता है जब मेडल सेरेमनी के दौरान आपको नवाजा जाता है। अहम पल इन प्रतिभागियों के लिए और आगे आने के लिए और मोटिवेट करेगा और इंस्पायर करने वाले क्षण रहेंगे। तो आज डांस के प्रतिभागी इस समय नवाजा जा रहा है, इन्हें छत्तीसगढ़ के थे, ये पंजाब के खिलाड़ी बात कर प्रतिभागी को सम्मानित किया जा रहा है। अहम पल, और हमारे देखिए फाउंडर पंकज गवले सर, साथ में डायरेक्टर मैम शिवा तिवारी मैम, ये नवाज रहे हैं प्रतिभागियों को, इनकी सोच की वजह से ये आयोजन। और देखिए डांस के ये प्रतिभागी प्रभावित किए, महाराष्ट्र के थे, बहुत ही शानदार इन्होंने डांस से दिल जीता। और ये प्रतिभागी देखिए अलग अलग खेलों में अपनी लाजवाब एक शानदार SBKF एक मंच बना है प्रतिभा को तराशने के लिए, उन्हें एक बेहतर मंच देने के लिए, और उन्हें सम्मानित करते हुए फिलहाल इन तमाम मास्टर्स वर्ग के लिए प्रतिभागियों को जो पार्टिसिपेंट्स रहे, और चेहरे पे एक अलग स्माइल नजर आती है मेडल के बाद, एक अलग एहसास, एक अलग खुशी। और यहाँ से जो मेडल जीते उनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं, जो मेडल नहीं जीत पाए आगे और हार्ड वर्क करके और ज़्यादा मेहनत करके आए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार SBKF जो और बड़े प्लेटफॉर्म पे होगा उसमें आप मेडल जीतेंगे। और अपने बात करें अपने स्टेट का, अपने क्षेत्र का, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे यकीन तौर पर। SBKF ये एक शानदार प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं। स्विमिंग के खिलाड़ी जो जम्मू कश्मीर से लेकर पार्टिसिपेट की, और सबसे बड़ी बात इनकी उम्र देखिए 70+, ये इंस्पायर्ड करते हैं। देखिए आप निराश ना हो, अवसाद से लोग गिर जाते हैं, सफलताएं नहीं मिले, ऐसे प्रतिभागी जिनकी उम्र 70-80 साल है वो आकर मेडल जीतना एक अलग ही बात कर मैसेज देते हैं हमारे सोसाइटी को, एक अलग ही शानदार एहसास कराते हैं।
सभी प्रतिभागियों के SBKF सेवेंथ नेशनल गेम्स के हिस्से बात करें, मेडल सेरेमनी में एक शानदार भव्य देखिए ये मैदान और ये वेन्यू जहाँ पे तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेडल सेरेमनी में नवाजा जा रहा है। ये टीम बास्केटबॉल की थी राजस्थान की, और अब देखिए सभी नन्हे बच्चे जो अपने शानदार खेल प्रदर्शन से सबको मनमोहित किया है। ऐसे बच्चे सब अपने प्रदर्शन से, और देखिए हमारे फाउंडर सर, पंकज गौले सर, शिवा तिवारी मैम और तमाम इस समय आए हुए ये व्यक्तित्व जिन्हें सम्मानित किया जा रहा, उनके शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें नवाजा जा रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि SBKF समेत नेशनल गेम्स की ये मेडल सेरेमनी की तस्वीरें इंदौर, भारत के सबसे स्वच्छ शहर में ये आयोजन, और उस आयोजन के देखिए इस समय केंद्र बिंदु बने हुए तमाम ये प्रतिभागी जिन्होंने मेडल से सबका दिल जीता है, अपने घर का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का, अपने फैमिली का और अपने स्टेट का, तमाम प्रतिभागी जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है मंच पे। और ये मार्शल आर्ट की टीम है, मार्शल आर्ट असम नॉर्थ ईस्ट पे ये खिलाड़ी, देखिए इनके चेहरे पे कलर खुशी, नॉर्थ ईस्ट से आकर के अपना बेहतर खेल दिखा करके सबका दिल जीता है प्रतिभागियों ने, और यही खूबसूरती है इस आयोजन की। लाल उम्र चाहे 4 साल से लेकर के 70-80 साल के भी प्रतिभागी SBKF के इस आयोजन में। और आपको बताना चाहूँगा, ऑर्गेनाइज बाई संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन, पावर्ड बाई MP ओलंपिक एसोसिएशन, सपोर्टेड बाई इंग्लिश पीपल, सपोर्टेड बाई इंदौर नगर निगम एंड राउंड टेबल ऑफ इंडिया, होस्टेड बाई इंग्लिश पी ऑर्गेनाइजेशन। तमाम प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए अहम क्षण रहा करता है यह दिन तौर पर। ये वो प्रतिभागी हैं कई इसमें जो कम उम्र के हैं, इनके लिए पूरा आसमान खुला है, इनके लिए एक बहुत बड़ा क्षण रहने वाला है। और देखिए इन बच्चों को हमारे पांडे से कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए भव्य मेडल सेरेमनी, एक तो लाजवाब मेडल सेरेमनी की हम साक्षी बनते हैं। नजर डालते हैं इन प्रतिभागियों पे जो कि बात करें बास्केटबॉल के राजस्थान के ये प्लेयर हैं, और इनकी तालियों के प्रतिध्वनि है ये खुशी एक अलग एहसास कराती हुई। इन खेलों में चाहे आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, चाहे बात करें कर्नाटक, तमिलनाडु, सभी जगह के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। और एक बड़ा मंच है कारवाई SBKF नेशनल गेम्स, सेवेंथ नेशनल गेम्स है। जब SBKF के बारे में बता दें आप, लगातार प्रतिभाओं को एक शानदार मंच देता है, और देखिए इस समय सम्मानित किया जा रहा है। हम थैंकफुल हैं इतने खूबसूरत वेन्यू और शानदार हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया हमारे स्पॉन्सर्स का, LNCT ग्रुप का, रेड बुल का, क्रिसेंट ग्रुप का, अवेदा ग्रुप, सोलारिस होटल, हमारे मीडिया पार्टनर डिजाना ग्रुप एंड BGFM का, वेन्यू पार्टनर गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल का भी हम थैंकफुल हैं। और सबसे अहम बात, हर एज वर्ग के प्रतिभागियों को इस समय अपना टैलेंट दिखाने का एक मंच बनता है। फुटबॉल ग्रुप के बाद अब इंडिविजुअल देख सकते हैं आप ये प्रतिभागी, डांस के प्रतिभागी जिन्होंने बहुत प्रभावित किया, योगा से पहले महाराष्ट्र की वो फीमेल थी, और अब देखिए इस समय अलग अलग स्टेट के प्रतिभागियों को इंडिविजुअली सम्मानित कर रहे हैं। और यही इस आयोजन की खूबसूरती है, चाहे आप गुजरात से, तेलंगाना से, राजस्थान से, कर्नाटक से, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र खेलों का एक बड़ा हब है, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, सभी स्टेट से आए हुए प्रतिभागियों को इस आयोजन में, यानी कि मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट SBKF सेवेंथ नेशनल गेम्स 2022 इंदौर मेडल सेरेमनी आप देख रहे हैं। और मेडल सेरेमनी में हमारे ऑनरेबल गेस्ट उन्हें नवाज रहे हैं, खुशी के क्षण यकीन तौर पर हर वो प्रतिभागी के लिए एक यादगार पल रहा करता है कि उनकी मेहनत, उनका परिणाम मेडल के रूप में, और वो मेडल अगर सुनहरा हो, मेडल अगर गोल्डन हो,
खुशी एक अलग एहसास दिलाती है सिल्वर को, लेकिन आमतौर पर और वो क्षण इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन के इस सेवन नेशनल गेम्स में आप देख सकते हैं इंदौर शहर में ये मेडल सेरेमनी की तस्वीर है। और लगातार खेलों के लिए और खेलों के उत्थान उन्नयन और तरक्की के लिए बड़ा बात करें मंच बना है इसमें की ओर, इसमें आर्मी नेवी पुलिस प्रिंसिपल डॉक्टर्स हर वो प्रोफेशन के लोग हिस्सा लेते हैं और एक बड़े एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे अहम बात इस आयोजन की और एक मेडल सेरेमनी में प्रॉपर एक शानदार बात करें बेहतर स्टेज या मंच ड्रोन कैमरा बेहतर कवरेज आप देख सकते हैं और सीधा हम आप तक मेडल सेरेमनी लेकर आए हैं इस वीकेंड इंटरनेशनल गेम्स के इस खूबसूरत बात करें वेन्यू से जहाँ डीएवीवी यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर से तमाम खेल स्विमिंग की बात करें बॉक्सिंग की बात करें इसके अलावा बात करें इस समय क्रिकेट की फुटबॉल लॉन टेनिस मार्शल आर्ट इसके अलावा ताइक्वांडो तमाम खेल में अपने प्रतिभागियों ने जो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई एथलेटिक्स एक बड़ा इवेंट एथलेटिक्स के अलग अलग पार्ट में बात करें शॉर्ट पुट हो लॉन्ग जंप हो रिले रेस हो 100 मीटर हो 1000 मीटर हो तमाम 500 मीटर्स ये तमाम प्रतिभागी सम्मानित करने का ये शौक और उम्र देखिए 4 साल से लेकर के 80-90 साल तक के प्रतिभागियों को एक बेहतर मंच और एक शानदार प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन के इस खूबसूरत मेजबानी में मेडल सेरेमनी की तस्वीर है और मेडल सेरेमनी देखे इसके बाद ये तमाम ग्रुप्स जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और अब जश्न का माहौल इंजॉय करते हुए मेडल लेने के बाद और इन्हीं धूम तरानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं।